हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर पहली बार आए हैं तो मैं डॉक्टर अनुज गोस्वामी आपका अपने यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आज कोई पर्टिकुलर सब्जेक्टिव टॉपिक नहीं है, केवल हम एनरेक्टल डिपार्टमेंट की जो फिस्टुला को लेके, भगंदर को लेके जो भ्रांतियाँ फैली हुई है समाज के अंदर, उसको ख़त्म करने की कोशिश करेंगे और एक हल्का सा आउटलाइन आपको ये समझाएंगे कि फिस्टुला या भगंदर जो होता है उसकी पहचान आप कैसे करोगे। फ्रेंड्स, एक्चुअल में क्या होता है कि हमारी कम्युनिटी के अंदर जो हमारा समाज है वो तीन तीन चार चार साल ये पहचानने में या ये डायग्नोस करने में लगा देता है कि उसको एक्चुअल में बीमारी हुई क्या है। अभी तीन तीन चार चार साल तक जब तक वो बहुत ज़्यादा आयुर्वेद, होम्योपैथ, एलोपैथ, इधर उधर से मेडिसिन खा चुका होता है और जब उसकी बीमारी भयावह रूप लेती है, जब उसको सिम्टम्स ज़्यादा परेशान करने लगते हैं, तब वो किसी पर्टिकुलर डिपार्टमेंट के डॉक्टर के पास, जैसे प्रोक्टोलॉजिस्ट, छारसूत्रा विशेषज्ञ या इसी तरह के डिपार्टमेंट से संबंधित जो सर्जन्स होते हैं उनके पास जाते हैं और अपनी प्रॉब्लम को शेयर करते हैं। दो से तीन साल तक तो एनोरेक्टल डिपार्टमेंट के जो पेशेंट होते हैं वो केवल मेडिसिन ही इधर उधर से लेते रहते हैं और पता नहीं कितना पैसा अपना ऐसे बर्बाद करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम जो फिस्टुला के बारे में बात करने वाले हैं वो ये बताने वाले हैं कि कैसे पहचान करोगे कि आपको भगंदर है। तो चलिए फ्रेंड्स, आज इसी टॉपिक पे बात करेंगे, शुरू करते हैं अपनी वीडियो। तो फ्रेंड्स, आप बड़े आसान से शब्दों में समझें कि पेशेंट बिल्कुल स्वस्थ है, बिल्कुल ठीक है, लेकिन कभी कभी क्या होता है कि अचानक मल द्वार के पास दर्द पेशेंट को स्टार्ट होता है। एनल एरिया के पास जो हमारा मल द्वार का चारों तरफ का हिस्सा होता है, ये हमारा मल द्वार है, इसके जो चारों तरफ का हिस्सा है इसको हम एनल एरिया बोलते हैं। इस एनल एरिया के पास अचानक सूजन के साथ रेडनेस का दिखाई देना, जिसको हम हिंदी में लाली बोलते हैं, और उसके अंदर बहुत ज़्यादा दर्द होना, बहुत सीवियर पेन होना, और उसी के साथ साथ उसका बिल्कुल एक फोलिकल के रूप में उभर जाना, जिसको हम एक फोड़ा या फुंसी बोल सकते हैं। फ्रेंड्स, फोड़ा या फुंसी या पेरी एनल एब्सेस, वो जो रेड एरिया हुआ, जब वो पूर्ण रूप से अपना जो एक इंटरनली इन्फेक्शन जब पूर्ण रूप से फैल जाएगा तो वो क्या होता है फ्रेंड्स कि इंटरनली पस फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाता है। और जब पेशेंट की पस को एक्साइज आउट करते हैं, चाहे वो आईएनडी के थ्रू करें, इंसीजन एंड ड्रेनेज इसको बोलते हैं, जब डॉक्टर्स उसको हल्का चीरा लगाने के बाद सारी पस को ड्रेन आउट कर देते हैं, तो फ्रेंड्स उसके बाद क्या होता है कि पेशेंट बहुत ज़्यादा रिलैक्स महसूस करता है और पेशेंट के दिमाग में ये होता है कि हाँ, अब मैं बिल्कुल रिलैक्स हूँ और मैं ठीक हो चुका हूँ। लेकिन फ्रेंड्स क्या होता है कि हमारा जो एनल एरिया है वो ऑलरेडी इतना इन्फेक्टेड होता है कि जब पेशेंट को आईएनडी होता है, तो आईएनडी होने के बाद और जब पेशेंट रेगुलर मोशन जाता है, जब पेशेंट रेगुलर मोशन जाएगा तो जो इंटरनली एनल ग्लैंड्स होती हैं हमारे मल द्वार के अंदर, फ्रेंड्स एनल ग्लैंड्स पाई जाती हैं, एक बिल्कुल नली की तरह की होती हैं, वो इन्फेक्शन स्लोली स्लोली एनल ग्लैंड्स की तरफ चलने लगता है और जिसकी वजह से फ्रेंड्स एक ऐसा ट्रैक एनल एरिया से लेके और बाहर के हिस्से तक एक ऐसा ट्रैक फॉर्म होता है, जिसकी वजह से वो जो पस फॉर्मेशन वहाँ जिस एरिया के अंदर आईएनडी हुआ था या जिस एरिया के अंदर फुंसिया फोड़ा हुआ था, उस ट्रैक की वजह से रेगुलर उस वाले हिस्से से पस का लगातार रिसाव होता रहता है। लगातार ब्लड का चलना या पस का रिसाव होना एक ही ट्रैक से और लगातार होना, कभी वो ट्रैक बंद हो जाता है, कभी वो दो महीने बाद फिर स्टार्ट हो जाता है। अभी फ्रेंड्स क्या होता है कि जो इस तरह के पेशेंट्स होते हैं वो तुरंत कोई मेडिसिन लेते हैं, एलोपैथ लो, आयुर्वेद लो या होम्योपैथ लो, डॉक्टर को अपने सिम्टम्स बताने के बाद, और डॉक्टर जब मेडिसिन देते हैं तो क्या होता है फ्रेंड्स, जो इंटरनली इन्फेक्शन है, इंटरनली इन्फेक्शन तो ऑलरेडी चलता रहता है, लेकिन क्या होता है जो बाहर का इन्फेक्शन होता है वो हीलअप कर देता है। हीलअप का मतलब ये होता है कि वो बिल्कुल बाहर से बिल्कुल साफ दिखाई देगा, आपको लगेगा कि हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ।
लेकिन क्या होगा फ्रेंड्स, कभी हम लॉन्ग ड्राइव करते हैं, सिटिंग वर्क ज़्यादा होता है, सिडेंट्री वर्क करते हैं, तो उसकी वजह से क्या होता है कि वो जो बाहर का हिस्सा था, जो इंटरनल इन्फेक्शन वो चल ही रहा है, लेकिन जो बाहर का हिस्सा था वो फिर उसी तरह से ही प्रॉब्लम क्रिएट करेगा, वहाँ फिर फोड़ा है फुंसी निकलेगा और फिर वहाँ से पस का रिसाव स्टार्ट हो जाएगा। तो फ्रेंड्स, मल द्वार के पास या हमारे एनल एरिया के चारों तरफ किसी भी हिस्से से लगातार एक ही हिस्से के अंदर फुंसी फोड़े का लगातार बनते रहना, ठीक होते रहना और लगातार वहाँ से पस का डिस्चार्ज होते रहना या लगातार उस वाले हिस्से के अंदर दर्द का बने रहना, ये क्लियर कट फिस्टुला के लक्षण होते हैं और इसको 100% हम फिस्टुला की कैटेगरी में डाल देते हैं। तो फ्रेंड्स, एट लास्ट हम केवल ये कहना चाहते हैं कि अपना पैसा जो आप मेहनत से कमाते हैं किसी भी तरह की मेडिसिन को लेके, आयुर्वेद, एलोपैथ, होम्योपैथ या किसी भी डॉक्टर के थ्रू जो सर्जन्स होते हैं उनके थ्रू जो ऑपरेशन आप कराते हैं वो आप प्लीज़ ना कराएं, या इस तरह के ट्रीटमेंट लेने से पहले एक बार अपने नियरेस्ट छार सुत्रा के स्पेशलिस्ट से आप मिल लें, क्योंकि फ्रेंड्स प्रोक्टोलॉजिस्ट जो होते हैं वो केवल स्पेशली इसी डिपार्टमेंट के अंदर वर्क करते हैं, जबकि जनरल सर्जन्स हमारी पूरी होल बॉडी के अंदर सर्जरीज करते हैं, तो शायद वो इस डिपार्टमेंट को लेकर इतना गंभीर ना हो सके जितना गंभीर एक प्रोक्टोलॉजिस्ट हो सकता है। तो हम आप लोगों को केवल आज की वीडियो के माध्यम से ये राय देना चाहते हैं कि अगर आपको फिस्टुला की समस्या इस तरह की है और आप इस समस्या से स्टार्टिंग हो या एक साल या दो साल आपको जितना भी टाइम हो चुका हो, अगर आप इस समस्या से ग्रसित हैं तो गूगल अभी आपके पास है, मीडिया ऑनलाइन लोग रहते ही हैं, तो आप कोशिश करें कि अपने नियरेस्ट छारसूत्रा के स्पेशलिस्ट को सर्च करें। बहुत सारे गवर्नमेंट्स के हॉस्पिटल्स हैं जो फाइनेंशियली पेशेंट्स वीक होते हैं, ये ज़रूरी नहीं कि आप प्राइवेट हॉस्पिटल के अंदर ही ट्रीटमेंट लें। हमारा कहने का मेन मतलब ये है कि आप कोशिश करें कि अपना ट्रीटमेंट फिस्टुला का स्पेशली आप छारसूत्र के डॉक्टर से ही कराएं। वो डॉक्टर प्राइवेट भी हो सकता है, गवर्नमेंट भी हो सकता है, ये नहीं कह रहे कि प्राइवेट से ही कराओ, आप गवर्नमेंट में जा सकते हो। हर गवर्नमेंट हॉस्पिटल के अंदर स्लोली स्लोली आयुर्वेद के डिपार्टमेंट बनते जा रहे हैं। आप अपने नियरेस्ट हॉस्पिटल के पास में जाने के बाद आप कोशिश करें, पूछें कि क्या यहाँ पे छारसूत्र का कोई डिपार्टमेंट है। अगर नहीं है तो वो आपको कोई ना कोई रास्ता ज़रूर बताएंगे, गूगल के थ्रू आप सर्च कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, हम केवल ये कहना चाहते हैं कि आप सही डॉक्टर का चुनाव करें, जो आपकी बीमारी है अपनी बीमारी के अकॉर्डिंग ही डॉक्टर को चुनें, क्योंकि आपकी समाज को, आपके परिवार को, आपके बच्चों को आपकी ज़रूरत है, उनका लालन पालन आपको करना है, आपके पास आपके कंधों के ऊपर पूरा भार है, उसमें लेडीज़ भी आती हैं, जेंट्स भी आते हैं और बच्चे भी आते हैं, क्योंकि हर इंसान के पीछे कोई ना कोई ज़रूर होता है जिसकी उसको बहुत ज़रूरत होती है। तो फ्रेंड्स, अपनी केयर करें, स्वस्थ रहें, खुश रहें और हमारी वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहें, जिससे आपके साथ साथ किसी दूसरे का भी भला हो। और हमारी जो मुहिम है फ्रेंड्स, उस मुहिम में हमारे साथ आप हमारे सहभागी बन सकते हैं, हमारा साथ दे सकते हैं, जिससे आने वाली जनरेशन के लिए जो हमारा समाज है वो लोग, कोई भी पढ़ा लिखा समाज भी छार सूत्र को पहचाने, जाने और हमारी आयुर्वेद की ताकत को पहचाने। तो फ्रेंड्स, आज तो हमारी वीडियो में इतना ही है। जय हिंद, जय भारत।